हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं नेहा मैजिकल हैंड में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं ये एक बड़ा सा ट्रैवलिंग बैग, जिसमें बहुत सारा यहाँ पे स्पेस है, जिसमें आप बहुत सारे कपड़े अंदर स्टोर कर सकती हैं। और आगे भी हमने दो पॉकेट रखे हैं, जिसमें आप अपना छोटा छोटा सामान होता है वो रख सकती हैं। और इस बैग को बनाने के लिए मैंने ये बेडशीट ली है, जो कि पुरानी है। और इसमें मैंने ये नॉनवन अंदर आता है जो मैंने डाला है, और बीच में फोम डाला है 4 mm का। और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर में क्विल्ट किए हैं, और 1 मीटर कपड़ा यूज किया है। और ये मैंने बेल्ट यूज किया है जो बाजार में मिलता है 10 रुपये मीटर के हिसाब से, तो आप वो खरीद सकती हैं। और अगर आपके पास ये बेल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे कपड़े का बेल्ट बना सकती हैं। तो चलिए हम ये बैग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये बड़ा बैग बनाना है, तो सबसे पहले हमें 18x12 इंच के दो पार्ट्स कट करने हैं। और इसमें से हमें ये देखिए, मैंने एक का शेप दे रखा है यहाँ पे राउंड शेप, तो इसमें भी हमें उसी तरीके से राउंड शेप देना है। हमें यहाँ से ऐसे कट करके राउंड शेप देना है, और हमें ध्यान रखना है कि दोनों का नाप एक समान होना चाहिए। तो ये हमारे दो पार्ट्स कट हो गए, और ऐसे दो पार्ट्स हमें 12x9 इंच के चाहिए, और एक ऐसा पार्ट हमें चाहिए 18x7 इंच का, जिसका नाप मैंने यहाँ पे नीचे ये जो है वहाँ से लिया है। ये जो मेन पार्ट है उसके ये 18 इंच का है, तो यहाँ पे मैंने इसी के नाप से लिया है। और यहाँ पे हमें जितना रखना है ना रख सकते हैं, तो मैंने 7 इंच रखा है। और दो पार्ट हमें ऐसे लेने हैं जो 9x7 इंच के है, और इसका नाप मैंने यहाँ पे साइड में से लिया है, और फिर मैंने यहाँ पे मार्क किया था जो 9 इंच है। उसके बाद मैंने दोनों साइड ये देखिए मार्क किया है, तो ये दो पार्ट्स मैंने इसी तरीके से नाप लिए हैं और 9x7 इंच का लिया है। और एक पार्ट हमें 22x7 इंच का लेना है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने जो 9 इंच पे यहाँ पे मार्क करके साइड में जो मैंने साइड के जो पार्ट्स कट किए थे दोनों साइड से मैंने मार्क कर दिया। ये देखिए वो वहां से हमें नाप लेना है ये बॉर्डर का, और फिर हमें यहाँ से यहाँ तक जो नाप मिलता है वही उसी के नाप से हमें लेना है। ये 22x7 इंच का है। 46 इंच के हमें ऐसे दो हैंगर चाहिए। ये बेल्ट हमें बाजार में 10 रुपए के मीटर के हिसाब से हमें मिलता है, और 20 इंच की ऐसे दो बेल्ट चाहिए। 20 इंच की हमें एक ऐसी जिप चाहिए, और 22 इंच की ऐसी जिप चाहिए, और हमें रनर चाहिए। पहले हमें 18x12 इंच का हमारा पार्ट्स लेना है, और यहाँ पे हमें 5 इंच पे हमें मार्क करना है, और 46 का हमारा एंगल लेना है, और इसको हमें यहाँ पे ऐसे रख के स्टिच करना है। इसके ऊपर ऊपर से हमें यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना है, और यहाँ से हमें ऐसे घूम लेना है। अब हमें यहाँ से भी 5 इंच पे मार्क करके यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने दोनों पार्ट्स में ये देखिए हैंगर लगा दिए हैं। ये 46 के हैंगर हमने इसमें लगाए हैं, ये बैग के मेन पार्ट्स है। अब हमें 12x9 इंच के दो पार्ट्स लेने हैं, और इसको हमें यहाँ से फोल्ड करना है, और यहाँ पे 1.5 इंच पे स्टिच करनी है, और इसी तरीके से ये दूसरे कॉर्नर में भी हमें स्टिच करनी है, और ये दूसरा जो पार्ट है हमारा उसमें भी उसी तरीके से करना है। देख सकते हैं हमने दोनों साइड यहाँ पे स्टिच कर ली है। अब इसको हम ऐसे सीधा करेंगे, और यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे,
और यहाँ से फोल्ड करके पूरे राउंड में दोनों पार्ट्स में हमें फोल्ड करना है। अब यहाँ पे फोल्ड कर लिया है, अब इसको हम ऐसे थ्री प्लेटें लेंगे यहाँ पे और इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। अब हमें 20 इंच की जिप को लेना है और यहाँ पे 3 इंच पे ये जो ये हमने बनाया है इसको यहाँ पे अटैच करना है और इसको ऐसे अटैच करना है दोनों को, दोनों पॉकेट को। और यहाँ पे हमने 2 इंच पे जो मार्क किया उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्क करके पॉकेट को अटैच करना है। उसके बाद हमें ये जो दो बेल्ट लिए थे उसमें से एक बेल्ट को लेना है और इसके ऊपर हमें ऐसे स्टिच करना है और इसके ऊपर ऐसे रख के स्टिच करना है। पहले हमें ये दो पॉकेट को अटैच करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बेल्ट को अटैच कर लिया है और ये दो पॉकेट भी अटैच कर लिए। अब हम दोनों साइड से रनर को डालेंगे, एक साइड से यहाँ से और ये दूसरी साइड से भी हमें रनर डालना है। देख सकते हैं दोनों में हमने रनर को डाल दिया है। अब हमें बैग के मेन पार्ट्स को लेना है और इसके ऊपर ये जो पॉकेट हमने बनाए हैं वो रखने हैं। ऐसे दोनों साइड हमें एक समान जगह रहनी चाहिए वो ध्यान रखना है और इसको ऐसे रखना है और यहाँ पे हमें 1 इंच की जगह रहनी चाहिए वो रखना है ध्यान। और इसको हमें यहाँ से स्टिच करके पूरे राउंड में ऐसे स्टिच करना है और बीच में भी हमें ये जिप है वहाँ पे भी हम स्टिच करेंगे ताकि ये जिप है वो यहाँ पे अटक जाए तो दोनों साइड पॉकेट अलग अलग हो जाए। देख सकते हैं कि हमने दोनों पॉकेट बना दिए हैं और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे आप थोड़ा जला भी देना ताकि ये खुल ना जाए, क्योंकि ये जो बेल्ट होता है वो जलाते नहीं तो इस तरीके से खुल जाता है। अब हमें ये दूसरा बेल्ट लेना है जो हमने दोनों एक ही नाप से लिए थे तो इसको इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे हमें सीधे स्ट्रेट स्टिच करनी है और यहाँ पे भी हमें स्टिच करनी है और इसके साथ ही हम यहाँ पे बीच में भी स्टिच कर देंगे ये जिप के बीच में। और ये जो हमने दोनों साइड से अलग अलग रनर रखे हैं वो उसी तरीके से रखने चाहिए ताकि यहाँ से रनर इस तरफ पुश हो और दूसरा इस तरफ पुश हो तो दोनों बीच में रहे। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बेल्ट लगा दिया है और बीच में स्टिच की है तो इसकी वजह से इस साइड का जो रनर है वो इस तरफ पुश नहीं होगा और यहाँ वाला इस तरफ पुश नहीं होगा, दोनों बीच में रह जाएंगे और ये यहाँ पे दो पॉकेट हो गए। अब हमें 18x7 इंच का पार्ट्स लेना है और 9x7 इंच के जो हमारे दो पार्ट्स थे वो लेने हैं और दोनों को हमें यहाँ पे स्टिच करके साइड में जोड़ना है, एक को यहाँ पे और दूसरा इस साइड जोड़ना है और हमें इसको यहाँ पे स्टिच करके प्रेस स्टिच भी करनी है। अब हमें ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वो लेना है और आप हमने यहाँ पे जो मार्क किया था वो मार्क है वहां से हमें इसको हमें लगाना है 9x7 इंच का जो हमारा अटैच किया हुआ पार्ट्स है वो बॉर्डर को हमें यहाँ पे ऐसे लगाना है और इतना सा हमें खुला छोड़ना है और पूरा
दूसरी साइड हमने मार्क किया था वहां तक लगाना है। हमने दोनों साइड इतना इतना खुला रखा है। अब हमें 22x7 इंच का पार्ट्स लेना है और इसको हमें यहाँ बीच में से कट कर लेना है। बीच में से कट कर लिया है। अब हमें 22 इंच की जिप को लेना है और इसमें हमें रनर को डाल देना है और इसको हमें ऐसे उल्टे रखना है इसके ऊपर, जिप के ऊपर, और यहाँ पे हमें स्टिच करनी है। इसके बाद हमें इसको ऐसे रख के प्रेस स्टिच करनी है और दूसरे पार्ट को हमने ये दूसरी साइड भी लगा के दूसरे पार्ट में भी उसी तरीके से स्टिच करके प्रेस स्टिच करनी है। हमारी जिप लग चुकी है। अब हमें ये जो पार्ट्स है इसमें देखिए दोनों साइड मैंने रनर डाल दिए हैं। अब इसको हमें यहाँ पे फ्रंट साइड का जो हमारा पार्ट्स है जिसमें हमने बॉर्डर अटैच किया है वहाँ पे इसको ऐसे अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्टिच करके प्रेस स्टिच कर लिया है। अब इसको हमें ऐसे यहाँ से स्टिच को स्टार्ट करके पूरे यहाँ तक लाना है और फिर यहाँ पे हमें पहले इसको जॉइंट करना है। हमें खुला छोड़ के पहले यहाँ पे नाप लेना है, यहाँ तक है, एक्स्ट्रा है तो थोड़ा सा हम कट कर लेंगे, तो इतना सा एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे। और फिर हमें ये जो दो पार्ट्स है उसको अटैच करना है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमने प्रेस स्टिच कर दी और अटैच भी कर लिया है। अब इसको हमें ऐसे पूरा राउंड में ऐसे करना है और ये जो बाकी रहा है वो हम स्टिच कर देंगे। तो ये पूरे राउंड में हमने स्टिच कर दिया। अब हमें बैक साइड का जो पार्ट्स है वो लेना है और ये जो हमारा फ्रंट साइड का जो पार्ट्स है जिसमें हमने बॉर्डर लगाया है वो इसके ऊपर रखना है और ये जो कॉर्नर है वहां से हमें यहाँ पे कॉर्नर दोनों को रखना है और स्टिच करना है। ये हमारा ट्रैवलिंग बैग रेडी हो गया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर सारे वीडियो आपको मेरे पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही नए नए वीडियो बना के बैग के लाते रहेंगे हम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।